अभी बनाएंगे चने दाल वाली पत्ता गोभी की सब्जी। फ्राई पैन में हमने तेल ले लिया है, तेल हल्का सा गर्म हुआ, जीरा डालेंगे एक चुटकी इसके अंदर, जीरा को हल्का सा फटने देंगे। और अब इसमें डालेंगे पतला कटा हुआ अदरक और ये लहसुन कटा हुआ इसके अंदर, डालेंगे ये आधा किलो पत्ता गोभी इसके अंदर, पत्ता गोभी कर लेंगे। और अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे तो पूरा पत्ता गोभी जो है वो पानी छोड़ देगा, इसलिए उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद उसमें नमक डालेंगे। इस तरह से तेल के साथ इसको मिक्स करने के बाद स्लो गैस से 5-7 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। हम ये कुछ देर बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे। अब वो भी चला लेंगे और अब इसमें डालेंगे ये 50 ग्राम के आसपास चना, हमने एक घंटा भिगा लिया था चना का दाल, वो इसके अंदर उसको मिक्स कर लेंगे। तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के 8-10 मिनट तक पकने देंगे। और ये 8-10 मिनट बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे, सब्जी को चला लेंगे और ये चलाने के बाद इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी हल्दी का पाउडर, दोनों डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको, फिर से फ्राई पैन के कवर से इसको ढक देंगे और 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे मसाले को। और ये 5-7 मिनट बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे, चला लेंगे। और ये हमारा तैयार हो चुका है सब्जी, को इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून और नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो 2-3 मिनट तक ढक के पकने देंगे नमक के साथ और फिर गैस बंद कर लेंगे।